अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपकी जेब से पैसा कितनी जल्दी और कितना गायब हो सकता है अगर आपने अपनी ESI रिटर्न का चालान टाइम पर पे नहीं किया है। इस एक्ट को आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं शायद वो सुनकर आप शॉक्ड रह जाएं। इसमें पेमेंट डिले करने के बाद आपको जेल तक भी हो सकती है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले, अगर आपको ESI एक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए, जिसमें हमने आपको कंट्रीब्यूशन रेट्स और सारी डेफिनेशंस के बारे में बताया है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी पेमेंट डेट की। हर महीने आपको अपने सारे एम्प्लॉयज की सैलरी में से ESI का कुछ परसेंटेज काटना होता है, कुछ परसेंटेज अपनी जेब से डालना होता है और वो हर महीने पे करना होता है। तो हर महीने पे करने की क्या लास्ट डेट होती है? लास्ट डेट होती है हर महीने की 15 तारीख से पहले पहले, यानी अप्रैल का चालान आपको मई की 15 तारीख से पहले पे कर देना चाहिए। अगर आप 15 तारीख की डेडलाइन मिस कर देते हैं तो आपके टोटल ड्यू अमाउंट पर इंटरेस्ट और डैमेजेस दोनों लगता है। बात कर लेते हैं इंटरेस्ट कितना लगता है, तो वो लगता है 12% पर एनम की रेट से, जो कि काफी रीजनेबल है, इतना ज्यादा नुकसान आपको नहीं हो सकता। पर अगर हम बात करें डैमेजेस कितने लगते हैं, तो यहाँ पर आपको काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि डैमेजेस स्लैब के अकॉर्डिंग लगते हैं। अगर आपने 2 महीने से कम का डिले किया है तो आपको डैमेजेस देना होगा 5% पर एनम के हिसाब से। 2 महीने से 4 महीने तक के डिले पे आपको देना पड़ेगा 10% पर एनम के हिसाब से डैमेज, और 4 महीने से 6 महीने के बीच में आपको देना पड़ेगा 15% पर एनम के हिसाब से डैमेज। आप सोच ही सकते हैं अगली परसेंटेज कहां तक जाएगी। अगर आपने 6 महीने से भी ज्यादा डिले कर दिया है तो 25% पर एनम के हिसाब से डैमेजेस आपको पे करने पड़ेंगे, पर ये टोटल डैमेजेस आपके टोटल ड्यू अमाउंट के 100% से ज्यादा नहीं जा सकते, और इंटरेस्ट भी ड्यू अमाउंट के टोटल से ज्यादा नहीं जा सकता। इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपका टोटल ड्यू पेमेंट है 1,00,000 रुपए, और आपने मान लीजिए पूरे 1 साल के लिए उसको नहीं पे किया है, तो पहले 2 महीने के लिए आपको देना पड़ेगा 5% का इंटरेस्ट। तो 1,00,000 इंटू 5/100 इंटू 2/12, 2 महीने के हिसाब से 5% का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसी 1,00,000 रुपए पे आपको 2 महीने के हिसाब से 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 5% की जगह 10% हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा। उसके बाद आपको अगले 2 महीने के लिए 15% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगले 6 महीनों के लिए 1,00,000 इंटू 25/100 इंटू 6/12 के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इन सभी चारों अमाउंट का टोटल कर लीजिए, आपको इतना डैमेज पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट के केस में यूनिफॉर्म है, 1% पर मंथ या फिर 12% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हो सकता है आपने अपनी कंपनी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन काफी डिले कर रखा है, और आप यही सोच रहे होंगे कि ESI डिपार्टमेंट से अभी तक हमारे पास कोई नोटिस या कोई वार्निंग क्यों नहीं आई। बिल्कुल आप पेशेंट रहिए, जरूर आती ही होगी, क्योंकि ESI डिपार्टमेंट को जब भी फुर्सत मिलती है तो वो आपको नोटिसेस इशू करता है। ऐसी काफी सारी कंपनियां हैं जिनमें 5-5 साल के बाद नोटिस आते हैं, पर उसकी बुरी बात ये होती है कि 5 साल का जो टोटल ड्यू अमाउंट है वो भी इतना ज्यादा होता है कि देखकर थोड़ा सा दुख होता है। तो रिकवरी के लिए ESI डिपार्टमेंट आपको 3 तरह के नोटिसेस भेजता है। तो पहला नोटिस होता है C18 एडहॉक, दूसरा होता है C18 इंटरेस्ट, और तीसरा होता है D18 डैमेजेस, जो कि तीनों ही चीजें मैंने आपको बताई हैं कितना कितना लगता है। C18I जो नोटिस है उसमें आपका टोटल इंटरेस्ट अमाउंट मेंशनड होता है जो आपको पे करना है। इसको आप डिफेंड भी कर सकते हैं, ESI डिपार्टमेंट में जाकर अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपकी तरफ से कोई गलती नहीं निकली तो यह अमाउंट कैंसिल भी हो सकता है। जो तीसरा नोटिस है D18 नोटिस होता है डैमेजेस का, इसमें आपके डैमेजेस लिखे होते हैं जो भी आपको पे करने हैं, इसे भी आप सिमिलर वे में डिफेंड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं C18 एडहॉक नोटिस की। तो इस वाले नोटिस को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए जयपुर में एक फर्म है जिसके अंदर 100 आदमी काम करते हैं, वो फर्म जयपुर से जोधपुर शिफ्ट हो गई, तो ESI नंबर जो जयपुर के लिए ले रखा था उसमें से सारे एम्प्लॉइज को लेफ्ट करवा कर जोधपुर में ज्वाइन करवा दिया, और जयपुर की ब्रांच का क्लोजर लेटर एम्प्लॉयर ने सबमिट नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है हर महीने 100 एम्प्लॉइज का जयपुर वाली ब्रांच से जब कंट्रीब्यूशन कट रहा था, सडनली वो कंट्रीब्यूशन कटना बंद हो जाएगा। तो इस केस में ESI डिपार्टमेंट ये अज्यूम कर लेगा, ऐसा मान लेगा कि आप अपना पैसा बचा रहे हैं और 100 आदमी आज भी आपकी जयपुर वाली ब्रांच में काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए 10 महीने हो चुके हैं इस बात को, आप जब जोधपुर शिफ्ट हो चुके हैं, तो ESI डिपार्टमेंट उन 10 महीनों के हिसाब से 100 एम्प्लॉइज का अज्यूम करके एक अमाउंट निकाल लेगा कि इतना कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पे कर देना चाहिए था पर आपने नहीं किया है। तो इस केस में एडहॉक नोटिस इशू किया जाएगा, वो अमाउंट आपका ड्यू हो जाएगा। सिमिलरली इंस्पेक्शन में या किसी कंप्लेन के थ्रू भी ESI डिपार्टमेंट को ये खबर हो सकती है कि आपने इतने महीनों का
कॉन्ट्रीब्यूशन पे नहीं किया है, उस केस में भी एडहॉक नोटिस आपको इशू हो जाएगा। एडहॉक का मतलब ये अमाउंट फाइनल नहीं है, आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, 15 से 30 दिनों का आपको समय दिया जाएगा अपना केस प्रेजेंट करके इस अमाउंट को फाइट करने का। मान लीजिए आपने अपना केस प्रेजेंट किया और ये अमाउंट घट गया या फिर जीरो हो गया, उस केस में आपको नया नोटिस इशू होता है जिसको हम बोलते हैं C18 एक्चुअल, उसमें फाइनल अमाउंट आता है उतना आपको पे करना ही पड़ेगा। और यदि आप इन नोटिसेस को फाइट नहीं करते हो तो ऐसा मान लिया जाता है कि आपकी तरफ से पूरी गलती थी और ये अमाउंट एकदम सही है और आपको ये अमाउंट पे करने पड़ेंगे, और जो भी अमाउंट आपका फाइनल बनता है आपको वो अमाउंट अपने ESI एम्प्लॉयर पोर्टल के थ्रू पे करना होता है। देखिए हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वहां पर एक चालान अपने आप जनरेट हो जाएगा, आपको अमाउंट एंटर करके पे करना होता है। अब मान लीजिए कि आपको ये नोटिसेस इशू हो चुके हैं, आपने ना ही इनको फाइट किया ना ही ये अमाउंट रीपे करे, और आपके 15 से 30 दिनों का जो समय आपको ग्रांट किया गया था वो भी निकल चुका है। ऐसे केस में ESI डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 45A के अंडर एक शो कॉज नोटिस भेजेगा। शो कॉज नोटिस में क्लियरली ये लिखा होगा कि ये आपकी आखिरी वार्निंग है, या तो ये अमाउंट पे कीजिए या इसको फाइट कीजिए। अगर आपके पास एक बार शो कॉज नोटिस आ जाता है और उसके बाद आप फाइट करने का सोचते हैं तो उस केस में जितना भी अमाउंट ड्यू है उसका 50% तो आपको पे करना ही पड़ेगा, तभी वो केस आप लड़ सकते हैं। वो केस आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा रीजनल ईपीएफ कमिश्नर के सामने, तो आरपीएफसी का जो डिसीजन होगा उसी को फाइनल माना जाएगा। पर अगर आप उस डिसीजन से सहमत नहीं है तो आप इसको फर्दर कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। तो ये तो हो गई सिर्फ नोटिसेस की बात और प्यार से समझाने वाली बात। अगर आप इन सारे नोटिसेस के बाद भी अपना अमाउंट पे नहीं करते हैं तो सेक्शन 45H के अंडर आपको एक शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा जिसमें लिखा होगा कि यदि अगर अब आपने पेमेंट नहीं किया तो आप अरेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद एक अरेस्ट वारंट इशू होगा और आप सचमुच अरेस्ट हो भी जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको ESI मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन से लेकर जेल तक का सफर दिखा दिया है। अगर आप अपना ESI कंप्लायंस प्रॉपर नहीं रख रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से उन्हें सॉर्ट आउट करने की पूरा प्रयास आपको करना चाहिए। और अगर आपसे सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है इसीलिए आपको एक अच्छे ESIC कंसल्टेंट की ज़रूरत है। और अगर आप ESIC कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और एक फॉर्म भर दीजिए। तो जाने से पहले आज का सवाल, आज के सवाल का सही जवाब देने पर किसी एक लकी विनर को मिलेगा ₹51 का पेटीएम कैश। और सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, अगर आप अपना ESIC का कंट्रीब्यूशन टाइम पर पे नहीं करते हो तो ESIC डिपार्टमेंट आपको सबसे पहले कौन सा नोटिस इशू करता है? आपके ऑप्शंस हैं A18, B18, C18 या Z18। सवाल का जवाब आपको एक से ज्यादा बार टाइप नहीं करना है और आंसर के साथ ऑप्शन भी टाइप करना है। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।